लैरी डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि सेरेन ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और लैरी मेहुल को बताता है कि उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट हुई थी, तो सेरेना ने पॉइजन की बोतल से गोलियां निकाली और उन्हें खा ली, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव मेहुल बोतल को सीधा लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। लैब इंचार्ज मेहुल को कंफर्म करता है कि सेरेना के फिंगरप्रिंट बोतल में है और जो पिल सेरेना ने खाई है वो इस बोतल के ही पिल्स है, बट ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी, सेरेना के फिंगरप्रिंट्स जो बोतल में है उन्हें ध्यान से देख के क्या बता सकते हैं? लैब इंचार्ज ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि ये मर्डर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, फिंगरप्रिंट सिर्फ बोतल में है, बोतल के ढक्कन में नहीं है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोतल को खोलने के लिए ढक्कन पे तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। का मतलब स्ट्रैटेजी करी, लैरी ने फिंगरप्रिंट बोतल में डाल दिए लेकिन ढक्कन में डालना भूल गया और उसके वजह से वो पकड़ा गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे की रात को करीब 10 बजे रैम्बो का मर्डर हो जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे पूछताछ करता है। टॉम कहता है, मैं तो पार्टी में था, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने रैम्बो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था। लिली कहती है, मैं तो शॉपिंग मॉल में थी। लियो कहता है, मैं तो पार्क में था, बर्ड वॉचिंग कर रहा था, मैंने रैम्बो को आने कहा था, बस उसने मना कर दिया था। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। खून करीब रात को 10 बजे हुआ था। अब रात को पार्क में कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? वहीं से मेहुल समझ जाता है कि लियो झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गैग एक सीरियल किलर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। वो किलर अभी तक 30 लोगों को मार चुका है और उसका आखिरी विक्टिम था बॉब। इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर गैग किलर के डेन में पहुंच जाता है। वहां पे उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर गैग को कुछ स्क्रिबल्ड लेटर्स मिलते हैं वॉल पे। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पे बुला लेता है। मेहुल उन दीवार पे दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। वहाँ पे देखो कुछ और भी है। फिर मेहुल वहाँ पे जाता है और देखता है तो वहाँ पे 3 लड़कियों के पिक्चर्स थे। मेहुल तुरंत पैटर्न को डीकोड कर लेता है और समझ जाता है कि अगला विक्टिम कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? पैटर्न को ध्यान से समझिए। पहला मर्डर हुआ था ABA, दूसरा मर्डर हुआ BOB और तीसरा मर्डर हुआ ABBA। अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझोगे तो वो पैलिंड्रोम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम है, तो अगला कौन जरूर एना का होगा, ANNA, ये भी एक पैलिंड्रोम है। मेहुल किलर से पहले वहां पहुंच जाता है और एना की लाइफ बचा लेता है और किलर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रैम्बो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है। सारी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। दूसरे गैंगस्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। एक दिन सुबह रैम्बो गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी वहां पर 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई एक उसे मार देता है, लेकिन कौन? डिटेक्टिव मेहुल वहीं था, चारों को वो अरेस्ट कर लेता है। चारों कहते हैं, हमने रैम्बो को नहीं मारा है, लेकिन मेहुल तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी। कैसे लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? मेहुल चारों की गन को टच करता है और जिसकी गरम हॉट होती है, मेहुल समझ जाता है कि उसी ने गोली चलाई है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की स्मार्टनेस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है, वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है। चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है। उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने बहुत से लड़कों को धोखा दिया था।
नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो ये है, और ये है उसके पांचों बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये फिंगरप्रिंट कौन से बॉयफ्रेंड का हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर आप फिंगरप्रिंट को ध्यान से देखेंगे तो वो बॉयफ्रेंड के नहीं, उल्टा एलिजा के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मतलब ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड था। चलिए अगली पहली देखते हैं। लिली मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती है, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। रेस्टोरेंट में उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उस टाइम मल्टीप्लेक्स में ही था, वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो उसे समझता है कि लिली तीन लोगों से मिली थी। वो तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। रोहन कहता है, मैं तो लिली का कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं उससे काफी टाइम बाद मिला था तो हमने कुछ बातें की और फिर मैं चला गया। पैम कहती है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, उसे मूवी स्क्रीन नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसकी मदद की, फिर हम साथ में रेस्टरूम गए और फिर मैं वहाँ से चली गई, वो वहीं थी। एमिली कहती है, सर मैं भी उसे नहीं जानती हूँ, उसने मुझसे समय पूछा तो मैंने बता दिया, फिर वो मुझे वॉशरूम में वापस मिली थी लेकिन हमने बात नहीं की। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। लिली की डेड बॉडी को ध्यान से देखिए, उसने घड़ी पहन रखी है। तो फिर वो एमिली से टाइम क्यों पूछेगी? वहीं मेहुल समझ जाता है कि एमिली झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है, उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया, वो बहुत थक चुकी थी इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी, पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को तीन लोगों पे डाउट आता है, वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है, वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि कोनी कौन होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी, मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मिस्टर डिसूजा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसके घर में उस वक्त चार लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है, मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है, मैं तो डिसूजा सर से आज मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है, मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर गार्डनर सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और ग्लव्स इतने साफ कैसे हो सकते हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। तीन व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल इन तीनों ओनर्स को कॉन्टेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है।
यह कार 1, यह कार 2, यह कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के उन्होंने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर गैरी मेहुल के ऑफिस में पहुंचता है और मेहुल को बताता है कि उसने आज एक मर्डर देखा और फिर पूरी मर्डर की स्टोरी बताता है। मैं ड्राइव कर रहा था, काम करके घर जा रहा था, तभी अचानक मेरी कार बंद पड़ गई। मैंने चालू करने की बहुत कोशिश की लेकिन चालू नहीं हो रही थी, तो मैंने बाहर निकल के कार को देखना शुरू किया। मेरे कार की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक गनशॉट सुनाई दिया। मैं कार के अंदर गया और हेडलाइट शुरू किया तो देखा कि एक मास्क मैन किसी को मार रहा है। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। ये सब सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि मिस्टर गैरी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मिस्टर गैरी ने पहले कहा कि उनकी कार की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने हेडलाइट कैसे शुरू की? वहीं वो पकड़े जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं।